हरि हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते वही जो भक्ति काय को न माये स्तुति गोचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये करे जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते है। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवनदर स्वामी यहाँ धर्म भावना के संदर्भ में विचार और चिंतन कर रहे थे। कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा इस धर्म भावना के संदर्भ में की है कि इस धर्म का कुछ अद्भुत महात्म्य है। धर्म की महिमा ही ऐसी है कि जिसके जीवन में धर्म उतरता है उसके जीवन में फिर अशांति नहीं रहती। धर्म करने वाले व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है, शांतिमय हो जाता है। ये सबसे बड़ा लाभ धर्म करने का है। इस बात को यहाँ वादिक सिंह आचार्य देव बहुत सरल शब्दों में समझा रहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य को दुख की प्राप्ति नहीं होती। फिर काफी चर्चा हमने इसके बारे में कल आपके बीच में की है कि वो दुख की प्राप्ति नहीं होती का अर्थ वो जो पुण्य बंधता है उससे अनुकूलताएं मिलती है। एक तो ये बात लगानी चाहिए कि भाई जब जब तुमने धर्म किया शुभ परिणाम हुए, मंद कषाय रूप परिणाम हुए, तो उससे जो आपका पुण्य बंधा उस पुण्य बंधने से सहज ही आपको अनुकूलताएं मिली, तो लौकिक अनुकूलताएं, लौकिक सुख की प्राप्ति हुई। फिर दूसरा एक हेतु दिया गया कि धर्म करने वाले का चिंतन बदल जाता है, धर्म करने वाले की सोच बदल जाती है। परिस्थितियां नहीं बदलता, मनस्थिति बदलती है। परिस्थिति न बदलने पर भी जब उन परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, जब उन परिस्थितियों को देखने का एक नया एंगल मिल जाता है, जब घटनाओं को और परिस्थितियों को वस्तु स्वभाव के सम्मुख जाकर के वो देखता है, तो फिर वो अनुभव करता है एक एक कण कण की स्वाधीनता का, एक एक पदार्थ की स्वतंत्रता का। जगत का परमाणु परमाणु स्वाधीन है, स्वतंत्र है, उसे करने धरने वाला कोई नहीं है, वो अपनी योग्यता से परिणमित होता है, तो इसके चित्त में शांति रहे बिना नहीं रहती। फिर चाहे बड़े से बड़े संकट आ जाए, पहाड़ टूट पड़े माथे पर, विपत्तियां आ जाए, लेकिन वो धैर्य धारण करता है अपने चिंतन के बल पर, इस जनवाणी के बल पर, इस तत्वज्ञान के बल पर, इस वस्तु स्वरूप के विचार के बल पर। एकमात्र ये वस्तु स्वरूप का विचार ऐसा है जो विचार बहुत बुरी से बुरी स्थिति में भी व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारने देता, धैर्य बंधाता है, ढांढस बंधाता है। ये धर्म है, विचलित नहीं होने देता, आकुलित नहीं होने देता, परेशान नहीं होने देता। माने मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, आज के लोक व्यवहार और बोलचाल की भाषा में यदि इसको प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं डिप्रेशन का इससे अच्छा कोई इलाज नहीं है। हर व्यक्ति डिप्रेशन में है। कई बार जैसे बहुत डॉक्टर्स मिलते हैं ना, सब तरफ ही डॉक्टर्स रहते हैं, हमारे तो आस पास में डॉक्टर्स भी रहते हैं, वकील भी रहते हैं, इंजीनियर भी रहते हैं। सब बड़े बड़े पदों वाले भी सब तरह के लोग मिलते हैं, तो वो कभी चर्चाएं चलती है तो कहते हैं, पंडित जी दुनिया का हर व्यक्ति डिप्रेशन में, कोई ज्यादा डिप्रेशन में है, कोई कम है, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्रेशन तो सबको है। ऐसा होता ही नहीं, हर व्यक्ति कोई ना कोई बात से लेकर के वो व्यक्ति ग्रसित रहता ही है। और वो बात देखते ही, वो शब्द सुनते ही, वो चर्चा आते ही, वो जो अंदर में तेज, वो डिप्रेशन में है, वो स्वाति नहीं है ना वो बात।
मुझे इनका नाम, मेरे सामने इनका नाम मत लेना बस। तो इसका मतलब ये है उस नाम को तुम्हारे जो दिमाग में जो है ना कुछ, ये कहीं ना कहीं तुम डिप्रेशन के शिकार हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि भाई जितने व्यक्ति दुनिया में डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन माने क्या होता है, चलो एक बात बताओ। अवसाद, 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 तीव्र आकुलता। अरे मतलब ये जन्म कहाँ लेती है डिप्रेशन वाली बीमारी, ये पेट में जन्म लेती है कि हाथ पांव में, दिमाग में, सोच में, सोच में जन्म लेती है, दिमाग में जन्म लेती है। तो सुनो, ये जो है ना व्याख्यान और ये जनवाणी, ये शरीर का इलाज नहीं करती, ये सोच का इलाज करती है, ये दिमाग का इलाज है। डिप्रेशन भगाने का है, डिप्रेशन से भगाने का है, डिप्रेशन से भगाने का है। इतने लोगों के यूट्यूब पर मैसेज आते हैं ना, माइंड ब्लोइंग, ऐसा ऐसा लिख करके आते हैं, दिमाग साफ हो गया, दिमाग हिल गया, ऐसे ऐसे मैसेज लिख करके आते हैं, विचार बदल गए, सोचने का नजरिया बदल गया। तो भाई इसी के लिए तो है, इसका मतलब अपने जो टोडरमल जी हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे तीसरे अध्याय में जब वे इलाज करते हैं, वे बार बार कहते हैं हमें पकड़ में आ गई तुम्हारी बीमारी, तुम पकड़ पा रहे हो कि नहीं बीमारी क्या है। यदा बीमारी ये कि ये कहना नहीं मानता, हटाओ इसको, नहीं ये नहीं है, ये कहना नहीं मानता है, तू इस बात को समझता क्यों नहीं है कि मानेगा नहीं। यदि यदि तूने इस बात को समझ लिया, स्वीकार कर लिया कि ये कहना मानेगा नहीं, तो काम हो गया। ये बतला रहे हैं यहाँ, ये धर्म समझ में आ रही है बात। कल तो मन्ना लाल जी मेरे से बोले कि वो प्रवचन है ना रिकॉर्ड करके देना, उसको वहां अपने नेवटा में बांटेंगे उसकी कैसेट। आपसे बोले क्या? अच्छा आप निकल गए थे, तो बोले मेरे को आज ही का चाहिए प्रवचन। नहीं नहीं मेरे को रिकॉर्डिंग कैसेट चाहिए, ऐसा ऐसा बोले मेरे को अरुण जी से बोलना। क्योंकि मैंने कल इस तरह की बातें भी की थी, अभी वो आज आज मंगलवार है उनके, वो वहाँ काफी भक्त आते हैं क्षेत्र पर, तो वो बात इस तरह की थी कि भाई भगवान की भक्ति से भला होता है, लेकिन मांगना उचित नहीं है। बिना मांगे मिल जाए, बिना मांगे मिल जाए, यही तो करा रहे। कल हमने जो श्लोक कहा था आपको, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म फल साथे बिना नर्तरियन समान, हमने बारे भावना नहीं बोली। बुधरदास जी के बारे भावना में गजब की लाइने है, क्या लिखा उन्होंने बुधरदास जी ने, बोलो। जाचे सुर तरु दे सुख, चिंतक चिंतारेन, बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। भाई याचना का काम नहीं है यहाँ, मांगने का काम नहीं है, तो सब मन में विचार तो करना पड़ेगा, नहीं जरूरत नहीं है, ये धर्म है। धर्म धर्म से क्या मिलता है, जो दादा ने तो बहुत सुंदर लाइनें लिखी है वो हमारे भावना वाली, धर्म ही वह चिंतामणि है, धर्म ही वह कल्प तरु है नहीं जिसमें याचना, धर्म ही चिंतामणि है नहीं जिसमें चाहना, ऐसी लाइनें लिखी बहुत सुंदर। तो ये क्या कहा है इन्होंने, आप जानते हैं कल्प वृक्ष क्या होता है, कल्प वृक्ष क्या होता है, जो मांगो वो मिल जाएगा, जो मांगो वो मिल जाएगा। कल्प वृक्ष खड़े हुए हैं, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, आप उनसे जाकर के मांगो, हे कल्प वृक्ष मुझे अच्छे सुंदर कौन से वाले कपड़े चाहिए, वो कुछ क्या अलग अलग आप जो बोलते हो ना, इसका दिखाओ और उसका दिखाओ, ऐसा जो दुकान पर जाकर के कहते हो, जरी का चाहिए, काई का चाहिए, जो जो भी आप जैसा शब्द बोलो, अरे ऐसा है शिफोन का चाहिए, जॉर्ज क्या जॉर्जेट का चाहिए, जो जो आप मेरे को शब्द एक भी नहीं बताते लेकिन सुनते तो रहते हैं ना ऐसे शब्द, तो वो तुरंत वो चीज आपके सामने, आप उससे मांगा और वो आपके पास में आ गया। अभी सुनो मेरी बात, अब कोई व्यक्ति गए यार मैं तो नहीं मांगूंगा यार, मांगना अच्छा नहीं लगता, अब मतलब अब कल प्रक से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिना मांगे तो कैसे मिलेगा, अब तू बैठा है, अब तू यही सोच करके बैठा है मैं तो कैसे मांगू, मैं तो नहीं मांगूंगा,
लेकिन ऐसा हो जाए मन में सोचते ही हो जाए काम, तो बोले उसके लिए दूसरा उपाय है, वो है चिंतामणि। चिंतामणि नाम का एक ऐसा रत्न होता है, उस रत्न के पास में जाकर के मांगना नहीं पड़ता और बिना मांगे ही, लेकिन मन में विचार जैसा ही आया वो काम हो जाएगा। गजब यार, ये तो बहुत गजब की चीज है ये चिंतामणि। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं विचार भी क्यों करूं, मैं अपने मन में भी ऐसी दरिद्रता की भावना क्यों लाऊं कि ये मुझे चाहिए, मन में भी नहीं सोचूं तो। बोले बेटा ये कल्प वृक्ष और चिंतामणि जैसी वस्तुएं तो मांगने और विचार करने से ही देती है, तो बोले इसके बिना भी कोई उपाय हो सकता है क्या, कि धर्म एक ऐसा है जिसमें तुम्हें मांगना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हें विचार भी नहीं करना पड़ेगा, आगे से आगे बिना विचार किए हुए तुम्हारी सर्व व्यवस्थाएं स्वयमेव होती ही रहेगी। क्या यही तो बोली मैंने लाइने ली आगे वाली? हाँ, धर्म ही वह कल्प तरु है नहीं जिसमें याचना, और धर्म ही वह चिंता मणि है नहीं जिसमें चाहना। ये तो बोली थी मैंने, चलो कोई बात नहीं। लेकिन तो मैंने, मेरा कहने का मतलब ये है, जांचे सुर तरु दे ये सुख चिंतत चिंता रेन, रेन माने होता है रत्न, चिंता रैन, रैन शब्द का अर्थ रात्रि भी होता है, लेकिन यहाँ रैन शब्द का अर्थ रत्न है। चिंता रैन माने चिंता मणि नाम का रत्न, जांचे माने मांगने से, कल्प तरु माने कल्प वृक्ष, तरु माने वृक्ष पेड़, जांचना करने से, सुर तरु कल्प वृक्ष, जांचे सुर तरु देय सुख चिंतत चिंता करने से चिंतामणि रत्न देता है। लेकिन बिन जांचे बिन चिंतए धर्म सकल सुख देन, धर्म सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है। अब आप कहेंगे साहब हम तो धर्म करते करते जिंदगी निकल गई लेकिन हमें तो आज तक कभी सुख मिला नहीं, तो बोले तूने धर्म नहीं किया, धर्म के नाम पर भ्रम किया है। तुम्हारे जीवन में शांति का संचार नहीं हो रहा है, इसका मतलब फिर वो धर्म है नहीं, फिर वो दिखावा है, फिर वो प्रदर्शन है। अरे यार क्या आयोजन कराया हम तो यार इतने लाख के नीचे आ गए, तो भाई फिर तूने धर्म, तू कह रहे ये धर्म के चक्कर में फंस गया मैं तो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो भाई इसका मतलब ये है कि तू जिस धर्म के चक्कर में फंस गया और तेरा पैसा चला गया, तो इसका मतलब ये है कि तू गलत जगह पर धर्म समझ बैठा था, वो धर्म नहीं था। धर्म के लिए पैसा दिया नहीं जाता, धर्म के लिए पैसा लिया नहीं जाता, धर्म के लिए भाग दौड़ नहीं की जाती, धर्म के लिए इतने पहाड़ की वंदना करा दी, मेरे को तो घुटने काम करना बंद कर दिया मैंने, जब से शिखर जी जाकर के आया ना तब से चला नहीं जा रहा, महीना भर हो गया, ऐसी हालत खराब हुई मेरी, आज धर्म कराए। अरे लेकिन किसने कही थी तेरे को कि शिखर जी पर दौड़ने का नाम धर्म है, बस उस पहाड़ की वंदना का नाम धर्म है। सहज शुभ भाव पूर्वक ये कार्य हो, अशुभ से बचने के लिए वीतरागी जिनेन्द्र देव की भक्ति से सो तो ठीक है, लेकिन इसमें यदि तूने धर्म मान लिया, अरे मैं तो तेला करने की प्रतिक्रिया, इन्होंने मेरे को चढ़ा दिया, तेला कर रहा था मैं तो, इन्होंने 10 लक्षण जी करा दिए मेरे को, अब मैं मेरा जीव जानता है मैंने कैसे किया है। ये धर्म कितना कठिन है, लोग मिलते हैं भाई साहब ऐसे जैन साहब, वो ये कहते हैं आपका जैन धर्म जितना कठोर और कठिन है ना उतना कोई धर्म नहीं, कितना कठिन है आपका जैन धर्म, बहुत कठिन है भाई, क्लियर दिखती है ना, को लगता है भाई साहब बहुत कठिन है, आसान नहीं है कपड़े उतारना, आसान नहीं है केश नोच करना, आसान नहीं है भूखे रहना, अटपटी प्रतिज्ञा मिले तो आहार लेना, विधि पूर्वक आहार लेना आसान नहीं है, बहुत भाई साहब आप लोगों के तो इतना कठोर है, कठिन है काम, आप लोग रात को पानी भी नहीं पीते हो, बहुत कठिन है यार आप लोगों की तो लाइफ, कितनी कठिन है, ये नहीं खाते हो, ये नहीं पीते हो, ऐसा नहीं करते हो, ऐसा बहुत बहुत कठिन है भाई, अब उनको क्या बतलाए, ये कठिन है कि इसमें स्वाधीनता है, इसमें सहजता है, इसमें निर्विकल्पता है, इसमें आनंद है,
इसमें अंदर में शांति है, ये कौन बतलाए? जो धर्म को समझे वो तो कहेगा इससे शांति है, और जो धर्म को ना समझे वो ये कहेगा यार ये तो बहुत ही जंजाल है भाई साहब, परिचय कठिन काम है, बहुत उपसर्ग ओ बहुत कठिन है, उसको कठिन कठिन काम दिखे। होते तो है ना फिर, होते होते कोई बाधा नहीं, परिचय भी होंगे उपसर्ग भी होंगे, संकट भी आएंगे, विपत्तियां भी आएगी, लेकिन संकट और विपत्तियों के काल में धर्मात्मा ये समझता है कि ये विपत्तियां मेरे ऊपर आती नहीं है, कोई कोई मेरे ऊपर उपद्रव करके दिखाए, करके दिखाओ, जो अपने आप को देह से भिन्न समझ रहा हो उसके ऊपर क्या उपद्रव होगा, सारे संकट शरीर के ऊपर आते हैं, सारी परेशानियां शरीर शरीर के ऊपर दिखाई देती है, हाँ हमें किस बात की परेशानी जब हम शरीर ही नहीं है तो, ये इन्होंने बात कही भाई, विश्वास करते हैं धर्मात्मा का सब। आश्चर्य की बात तो यह है कि धर्मात्मा इसी लोक में ही नहीं परलोक में भी सुखी होता है सर्वत्र, और पापी व्यक्ति अधर्मात्मा व्यक्ति यहां कषायों के वशीभूत होकर के दुख सहा नहीं जा रहा, तकलीफ सही नहीं जा रही, और आत्महत्या करके सुखी होना चाहता है तो तू क्या सोचता है दूसरी जगह जाकर के शांति मिल जाएगी तुझे? तो धर्म के फल में सुख शांति है कैसे मिल जाएगी? मतलब जिसे यहाँ शांति नहीं है उसे परलोक में शांति कैसे मिलेगी? घर खीर तो बाहर खीर, घर खीर तो बाहर खीर, कहां से लाते हैं ये सब? देखिए ये लोक में भी नहीं परलोक में भी सुखी होता है धर्मात्मा व्यक्ति। आगे 80 नंबर का श्लोक है, अंतिम श्लोक है ये 12 भावनाओं के चिंतन का। तवात्मनात्मनीनेस्मिन् धर्मेति निर्मले स्थवीयसि रुचिर्स्थेयाधा मुक्तिर्मुक्तिदायिनी। ओह हे आत्मन, जब तक मुक्ति ना हो तब तक आत्मा का हित करने वाले अत्यंत निर्मल इस जैन धर्म में तेरी स्थिर मुक्ति को देने वाली श्रद्धा होवे। क्या स्थिर मुक्ति को देने वाली तेरी श्रद्धा होवे। कल आ जाएगा शायद YouTube पर, मैंने एक प्रवचन वहां लिया सिंगापुर में, धर्म क्या है, 1 घंटे का प्रवचन सिर्फ यही था धर्म क्या है। यद्यपि काफी बातें तो वही होती हैं जो अपने आप सुनते रहते हो, वस्तु स्वभाव धम्मो ऐसी तरह की बातें, ये और भी कई पहलू उसमें उजागर हुए जिसमें धर्म क्या है। इसलिए ना धर्म भावना की चिंता कर रहे हैं ना, चर्चा कर रहे हैं ना अपन यहाँ, तो धर्म आत्मा का हित करने वाला है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुख तय सत्वान यो धर्मे सुखे रत्नगर शाहकाचार्य। हम कहते हैं समंत भद्राचार्य देव, जो तुझे उत्तम सुख में ले जा करके धरे उसका नाम धर्म है, धर्म धारण किया जाता है, धारयति इति धर्म है, जो धारण किया जाए उसका नाम धर्म है। धर्म प्रवृत्ति का नाम नहीं है, बाह्य आचरण का नाम नहीं है, बाह्य क्रिया का नाम नहीं है, ये धर्म कुछ और चीज है जो अंदर की चीज है। इस धर्म में परतंत्रता नहीं होती, इस धर्म में पराधीनता नहीं होती, इस धर्म में दिखावा नहीं होता, ये धर्म स्वाधीन है, ये धर्म किसी और दूसरे के अधीन नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति किसी क्रिया को करने से हमारे को रोके तो हम धर्म न कर पाए, ऐसी परतंत्रता धर्म में नहीं है। धारण करने की बात समझा देना, मैंने इतनी परतंत्रता नहीं है कि जिसमें कोई व्यक्ति कहेगी तुम माला नहीं फेर सकते, तोड़ दी तुम्हारी माला को, शास्त्र फाड़ दिए तुम्हारे, अब पढ़ो देखो कैसे पढ़ते हो, हम भी देखें, चश्मा तोड़ दिया तुम्हारा, क्या चश्मा तोड़ दिया तुम्हारा, अब कर लो तुम धर्म कैसे करोगे? तो कोई बात नहीं भैया, मंदिर में जाए, मंदिर नहीं जा सकते तुम, बैठे रहो घर में, जा नहीं सकते तुम मंदिर, मंदिर नहीं जाओगे, कोई बात नहीं घर में बैठ के कर लेंगे, बंद कर दिया तुम्हारे को ताले में बंद कर दिया, अब तो नहीं कर सकते ना, रोटियां नहीं मिलेगी तुम्हारे को, आप करके दिखाओ कैसे करोगे? नमो कर मंत्र बोलेगा नहीं, जवान छीन लेते, एक शब्द नहीं निकलना चाहिए, मुंह के ऊपर पट्टी लगा दी, आंखें बंद कर दी, आंख से देख नहीं सकता, कान में कीलें ठोक दी, बोलो अब नहीं, अब तो धर्म नहीं कर सकता, अब आंखें बंद तेरी, आंखों के ऊपर बांध दी पट्टी, जवान तेरी काट दी गई, कान तेरे
फोड़ दिए थे पर्दे, तू कुछ सुन नहीं सकता, कुछ आंखों से देख नहीं सकता, जवान से कुछ बोल नहीं सकता, अब करके दिखा तू कैसे धर्म करेगा, बोलो। बढ़िया होगा इसमें, अब कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अरे ये जो भोगों में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, क्या किसी लड़की के पिता ने कह दिया उसे कि आंख उठा करके देखा तो तेरी आंखें फोड़ दूंगा, नाम मत लेना इसका, जवान से निकाल दिया उसको, बंद कर दिया उसको, आंखें फोड़ दी उसकी, कान बंद कर दिए उसके, सब बंद कर दिया। अब बता कि अभी भी मुझे स्पष्ट दिख रही है, कब बोलो। ये लिखा आचार्य देव ने श्लोक स्पष्ट लिखा है, पिहिते कारागारे तमसी चे सूची मुखाग्र दुर्भेदे मई चे निमिलित नयने तथापि कांतानम व्यक्तम। मूल श्लोक में न्याय के शास्त्रों में लिखा है, ज्ञान की पर्याय को कौन रोके, सात ऐसे ऐसे जो श्लोक बोला ना मैंने अभी संस्कृत का, इसका अर्थ क्या है, वे कहते हैं कहां से शुरू किया था, पिहिते कारागारे, बहुत बंद कर दिया गया ऐसे कारागार में, ऐसी जेल में ले जाकर के उसे बंद कर दिया गया, तमसी जहां अंधकार है, तमस अंधकार है, घना अंधेरा है, और कितना घना अंधेरा है कि सूची मुखाग्र दुर्भेद्य, सूची माने होता है सुई, सूची मुख अग्र दुर्भेद्य, भेदा नहीं जा सकता, माने आप यदि चारों तरफ घूम करके देखो तो कहीं एक सुई की नोक बराबर भी प्रकाश का, रोशनी का, बाहर से कहीं कोई छिलका भी नहीं दिखाई दे, इतना घना अंधकार, हाथ ऐसे करो तो दिखे नहीं, आंखों पे पट्टी बांध दे और कुछ नहीं। तमसी चे सूची मुखाग्र दुर्भेद्य, और मई चे निमिलित नयने, उन्मिलित माने तो खुली हुई, नयन मतलब आंखें, और आंखों को बिल्कुल बंद कर दिया गया है कसके, तथापि कांता माने स्त्री पत्नी ऐसा समझो आप, क्यों किसी और की बात करो, कांता आनन कहते हैं मुख को, कांता आननम व्यक्तम, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब बोल तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा, कोई बात नहीं, क्या फिर भी दिख रहा है। अब कह रहे हैं जब वो विषय कषाय में रचे पचे लोगों को अपनी पत्नी का मुख, स्त्री का मुख, बाहर में अनेक प्रकार की यातनाएं देने पर भी, पत्नी के मुख में तो क्यों यातनाएं देगा, प्रेमिका के मुख की बात करनी पड़ेगी आपको, कि जहां उसको देख बहुत यातनाएं दी, नहीं देखते हैं ऐसे, खूब पीटा उसको कि आंख उठा करके मत देखना मेरी लड़की की तरफ, लड़की को बंद कर दिया जाए, रोजाना मूवीज में इस तरह की घटनाएं रोज दिखाते हैं, अब कर ले क्या करेगा, और लव लुहान कर दिया उसको, बांध दिया उसको, और फिर भी वो क्या कह रहा है कि फिर भी कोई बात नहीं, तुम बिगाड़ लो कुछ भी मैं तैयार हूं, मार दो, जब जब तक मैं जिंदा हूं, क्या तब तक तो है पक्का मजनू। अभी सोचो आप दुनिया की हालत ऐसी, अरे नहीं होता है ऐसा, घर से निकालने को तैयार है, संपत्ति से बेदखल करने को तैयार है, और वो तैयार है कि हाँ कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा, घर से निकाल देंगे तुम्हें, तैयार हो जाता है व्यक्ति, कोई बात नहीं, रह लेंगे हम जंगल में, रह लेंगे झोपड़ी बना करके रह लेंगे, कहीं भी रह लेंगे यार, लेकिन नहीं चाहिए आपका पैसा, शादी करूंगा किसी से करूंगा। अब ऐसी हालत जिसकी हो, अभी हम आपसे कह रहे हैं कि उसके आंख नाक कान निकाल देने के बावजूद भी जैसे दिख रहा है, तो वो व्यक्ति जब कर सकता है, प्रेम कर सकता है इतनी सब संकट आने पर, तो ये धर्मात्मा व्यक्ति उपसर्ग आ रहे हैं, माथे पे सिगड़ी जल रही है, गर्म गर्म लोहे के आभूषण पहना दिए गए, आंखें नोच ली गई, घाड़ी में पेल दिया गया, अब बताओ अब तो तू धर्म नहीं कर सकता, कि बेटा तू देखता रहे और ये देख देव लोग आ गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, भगवान बन गया, ये क्या क्या हुआ बताओ तो सही, ये धर्म ये पराधीन नहीं है बिल्कुल भी, इतनी स्वाधीन रखती है, बाहर में कुछ भी होता हो, कितने बड़े संकट कुछ भी होता हो, लेकिन अंदर की चीज है ना, मैं मेरी ज्ञान की पर्याय
और मेरा ज्ञान एक आत्म तत्व, मेरी ज्ञान की पर्याय जो जानने वाली है, जो जानने का काम करने वाली है, और जानने में जिसे आना है वो भी मैं ही हूं। जिसे जानने में आना है उसे कोई ढक नहीं सकता, और जो जानने वाली पर्याय है उसे कोई रोक नहीं सकता। अब कहां परतंत्रता का काम है, बिल्कुल पराधीनता नहीं। इतने गजब की है ये बात, ये है ना, आत्मा का हित करने। हित इसलिए है कि पराधीन सपने उन सुख नहीं, और स्वाधीनता से बढ़कर कोई भलाई हो नहीं सकती। मैं स्वतंत्र हूं, इससे ज्यादा और भला काम क्या हो सकता है मेरे लिए। देखिए, हे आत्मन, जब तक मुक्ति ना हो तब तक, मुक्ति नहीं हो तब तक आत्मा का हित करने वाले अत्यंत निर्मल इस जैन धर्म में तेरी स्थिर मुक्ति को देने वाली श्रद्धा हो। इस जैन धर्म में श्रद्धा हो तेरी, निर्मल जैन धर्म में श्रद्धा हो, अत्यंत निर्मल श्रद्धा हो इस जैन धर्म में, जो तुझे स्थिर मुक्ति प्रदान करने वाली है। ये धर्म क्या गजब है भाई साहब, इस धर्म की तो महिमा ही कुछ विलक्षण है। पूरे विश्व में ऐसा धर्म दर्शन नहीं मिलेगा। ये धर्म कितना जबरदस्त है, क्योंकि ये धर्म भगवान बना देने वाला काम कर रहा है, ये धर्म अनंत सुख प्रदान कर देने वाला काम कर रहा है, ये धर्म अंदर से सब कुछ बदल रहा है, बाहर में कुछ ना बदले और अंदर में सब कुछ बदल जावे, ये ऐसा धर्म है। तो ये धर्म, इस धर्म में हमारी क्या कह रहे हैं, ये श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा तो होनी चाहिए भाई सब धर्म में, धर्म में श्रद्धा रखो, धर्म में श्रद्धा रखो, रखते हैं सब। बहुत धर्म में हमारी बहुत श्रद्धा है, ये कितनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा से कर रहे हैं हम तो। वो कितने 15 सोमवार किए हैं कि शुक्रवार किए हैं कि मंगलवार के व्रत किए हैं, बस 15-25 कितने 12-18-28 बस बहुत श्रद्धा है हमारी, तो हमारी पूरी श्रद्धा है। एक बार हमारे व्रत पूरे हो गए फिर तो जरूर शादी हो जाएगी। ये कहता है श्रद्धा, श्रद्धा है, धर्म में श्रद्धा रखो भाई, धर्म में श्रद्धा रखो। अरे इसका नाम धर्म में श्रद्धा नहीं है, ये तो अश्रद्धा है तुझे। रत्नत्र उसका नाम श्रद्धा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो श्रद्धा है इसमें सम्यक दर्शन, जिसे श्रद्धा की मजबूती कहा गया, श्रद्धा का सम्यकपना कहा गया, ये एक बार स्थिर हो जावे जो मुक्ति प्रदान करने वाली है। देखिए सरल अर्थ, इसलिए हे आत्मन, आत्महितकारक, आत्महितकारक क्या है बोलो। आत्म माने मैं, हित माने भला, कारक माने करने वाला, मेरे लिए भला करने वाला क्या है, धर्मी है मेरे लिए भला करने वाला बोलो। और आपको यहाँ तो सब धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म की चल रही है ना, इसलिए सही सही बतलाओ, तेरी भलाई इसी में है कि तू पढ़ ले चुपचाप बैठ के, तेरी भलाई इसी में है कि तू मोबाइल छोड़ दे अभी अभी पढ़ाई में लग जा, तेरी भलाई इसी में है कि तू दुकान पर बैठना, दुकान पर बैठ करके इधर उधर के काम मत किया कर, तेरे को कह दिया है मैंने, फोन पे लगा रहता है दुकान पर बैठे बैठे, ग्राहक कुछ पूछ रहा है ध्यान ही नहीं है तेरे को, तेरी भलाई इसी में है। दीपेश जी ऐसा उपदेश नहीं देते हम, तेरी भलाई इसमें, बच्चों को ऐसा उपदेश देते रहते हैं ना, ये कह रहे हैं नहीं भाई तेरी भलाई किसमें है। तो दौलत राम जी कहते हैं, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मगला यो चाहिए। बोलो, आत्मा का हित सुख प्राप्त करने में है, और सुख कहाँ है कि आकुलता के बिना है, तो आकुलता कहाँ नहीं है कि आकुलता तो मोक्ष में नहीं है, तो फिर करें क्या कि तुझे मोक्ष के मार्ग में लगे जाना चाहिए। क्या चेटा में चलाएंगे सब अपन 9 तारीख को, ठीक है ना, हाँ यही हूँ। देखो क्या कह रहे हैं अपन, क्या कह रहे हैं यहाँ, हे आत्मन, आत्महितकारक, अत्यंत निर्मल इस जैन धर्म में जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती तब तक तुम्हारी अटल श्रद्धा बनी रहे। विशेषण पढ़ते हैं, बंदर बंदरी और वनपाल, इनको तो भूल ही गए अपन पिछले महीने भर में, कहानी तो यही से चल रही थी। जीवंदर कुमार को सारे बारे भावना का विचार विकल्प चिंतन तो यही से चला। और देखो सच बात है,
जब तक कोई बड़ी घटना जीवन में नहीं घटती है ना, तब तक ये व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर नहीं होता। कोई अचानक कोई घटना घट जाए ऐसी, सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी, माने जिस घटना ने अचानक प्रेरित किया होगा कि यार अब चलो कोई बात नहीं। जब कोई शरण नहीं दिखती है तो फिर ये जीव धर्म की शरण पकड़ता है, धर्म की राह पकड़ता है। जब तक इसको दूसरा कोई उपाय दिखता रहे तब तक तो सोचता है नहीं नहीं वकील से काम चलाऊंगा, नहीं नहीं डॉक्टर से काम चलाऊंगा, नहीं नहीं इससे, अरे अभी कहाँ फुर्सत है यार, मेरे पास में फालतू की बात मत कर लो, दुकान में आग लग गई थी, जब तक दूसरी व्यवस्था है, इंश्योरेंस की व्यवस्था हो सकती है तब तक तो करता है। और जब लगे कुछ भी नहीं हो सकता फिर सोचता है यार भगवान के पास जाके देख लो, क्या पता इससे कुछ काम हो जाए, अंतिम उपाय के रूप में स्वीकार करता है। दुकान में ऐसी परिस्थिति बन गई और फिर किसी व्यक्ति ने आकर के कहा कि सुन यार एक उपाय है, तू एक बार मंदिर चल, तुझे पता नहीं है उस मंदिर में कई बार कई चमत्कार हुए हैं, बड़े मंदिर में, हाँ हाँ तू एक बार चल के तो देख। तो व्यक्ति को लगता है थोड़ा करके देख लो कोई बात नहीं, किसी के घर में जवान मौत हो जाए तो करके देख लो, थोड़ा सा उसका बुद्धि लगती है कि हाँ यार चलना चाहिए यार करना चाहिए कोई बात नहीं, क्या करो सब आसार लगने लगता है। ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए, ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए तो तब जाकर के धर्म सुहाता है। कोई ऐसा दृश्य देखने को मिल जाए, आंखों के सामने किसी की हत्या हो जाए, हाँ हमारा तो परिचित नहीं था लेकिन दृश्य ऐसा देख लिया, घटना ही ऐसी देख ली हमने कि जिसे देखने के बाद में अब ऐसा लगता है कि यार ये तो कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है। उसने गोली मारी मेरे आंखों के सामने, वो मर गया और मैं वहीं था और बगल से निकला था मैं, वो मेरी भी लग सकती थी, और ये ऐसा झटका लग गया इसको कि ये तो घबराहट होने लगती, ऐसा धर्म कर लो थोड़ा बहुत, नहीं तो जीवन कभी भी दुखा हो सकता है। देखिए बंदर बंदरी और वनपाल के बीच घटित वैराग्य उत्पादक विशिष्ट घटना को देखकर राजा जीवंधर कुमार को संसार शरीर एवं भोगों से विरक्ति हो गई। विरक्ति हो गई उन्हें संसार का स्वरूप देख करके, विरक्ति हो गई। ये देखो क्या नाटक दिखाई दे रहे हैं, और उसने पूरा का पूरा जीवंधर स्वामी ने वो जो घटना उसके साथ में घटी बंदर बंदरी के साथ में, उसको अपने ऊपर घटित करके देख लिया था, जाने ना सब अपने आप के ऊपर घटित कर लिया था कि मुझे पहले राज्य में छीन लिया गया था नहीं, फिर दोबारा मैंने छीन लिया, फिर हासिल हो गया, फिर दोबारा ऐसा हो सकता है, तो ये सब उसने बिल्कुल देखा घटना को और देख करके पूरा का पूरा महसूस किया। संसार से शरीर से और भोगों से विरक्ति हो गई। भाई संसार का तो स्वरूप ही ऐसा ही है, जिसका गहराई से विचार करे और विरक्ति न हुए ऐसा नहीं हो सकता। शरीर इतना अशुचि और इतना अपवित्र है कि तू गहराई से इसके बारे में विचार करे और तुझे वैराग्य ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भोगों का स्वरूप इतना मलिन इतना गंदा है कि तू गहराई से उसके बारे में विचार करे तो तू विरक्त हुए बिना रह नहीं सकता। तीन बातें कही है, जगत काय स्वभाव हुआ संवेद वैराग्य अर्थम, सातवें अध्याय का सूत्र है ये तत्वार सूत्र का। जगत का काय का स्वभाव, जगत काय स्वभाव हुआ, ये कह रहे संसार शरीर और भोग इनसे विरक्ति हो गई उनको क्योंकि उन्होंने गहराई से इनके बारे में विचार किया, इस कारण उन्होंने अनित्य आदि 12 भावनाओं का चिंतन किया है। 11वें स्लंब के श्लोक क्रमांक 29 से लेकर श्लोक 80 तक कितने श्लोक हो गए, 52 हो गए, 52 श्लोक हो गए, 52 श्लोकों में 12 भावनाओं की चर्चा की, कितनी विस्तार से चर्चा की, और खूब हमने विस्तार से यहाँ चर्चाओं को पढ़ा सुना देखा। अब हम आपसे पूछते हैं इन 12 भावनाओं का इतना गहराई से विचार चिंतन करने पर भी थोड़ी विरक्ति हुई कि नहीं हुई, कुछ थोड़ी थोड़ी विरक्ति तो हुई। अरे राव तो इतने दिन पुरानी बात हो गई, जिस दिन सुना था ना अनित्यता का उस दिन तो थोड़ी सी हुई थी, जिस दिन संसार भावना का सुना था उस दिन थोड़ी सी हुई थी, फिर वो बीच बीच में गैप लग जाता है ना, तो हमारे को थोड़ा सा डोज मिलती रहती है दूसरी विषय के जाएगी कि भाई चिकने घड़े मत बनो,
तो गहराई से विचार करो इस धर्म के बारे में। इन्होंने बहुत सुंदर लिखा देवशास्त्र गुरु पूजन में, क्या लिखा बताओ, मतलब हमने वो तो पंक्तियां पढ़ी नहीं, बहुत दिन हो गए। लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो शोकांत बने फिर हमको क्या, जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो दुर्नय तम सत्वर टल जाते, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मद मत्सर मोह विनश जावे। फिर ये धर्म भावना, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था हम भी न रहे जग के साथी। अरे कोई हमारा साथी नहीं है, हम भी किसी के साथी नहीं रहे, तो हमारा कौन है सच्चा साथी? धर्म ही सच्चा साथी है, चिर रक्षक। लंबे समय से धर्म ने हमारी रक्षा की है, धर्म हमारा हो वो धर्म हमारा चिर साथी, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था हम भी न रहे जग के साथी। ये धर्म ही वो है जो सादी अनंत काल तक साथी रहने वाला है, ऐसे धर्म की बात कही। देखिए आगे एक पैराग्राफ और है, पूरी करते हैं इस बात को। प्रथमानुयोग के शास्त्रों में मानो ये नियम ही है, नियम है प्रथमानुयोग के शास्त्रों का। पद्म पुराण उठा करके देखो, हरिवंश पुराण उठा करके देखो, महावीर पुराण उठा करके देखो, जीवंदर चरित्र अपन पढ़ी रहे हैं, श्रीपाल चरित्र उठा करके देखो, आपको जहां जहां जो जो शास्त्र दिखते हो प्रथमानुयोग के शास्त्रों का एक नियम है। क्या नियम है भाई साहब शास्त्रों का, क्या नियम है प्रथमानुयोग के? ये कह रहे कि जिन महापुरुषों का चरित्र कहा जाता है उनको वैराग्य हो जाता है और वे नियम से बारे भावनाओं का चिंतन मनन करते हुए जिन दीक्षा को स्वीकार करते हैं एवं अंत में जगत पूज्य बन जाते हैं। ये प्रथमानुयोग की कथाओं का सार है, कोई भी उठा करके देख लो आप। अरे जैसे कहते हैं ना सुखांत, अपने यहाँ भारतीय परंपरा जो है वो कोई भी कथा हो, कहानी हो, उपन्यास हो, पिक्चर हो, मूवी हो, स्टोरी हो, सबका एक ही ध्येय है संकटों से शुरू करके और सुख पर समापन करना। आपकी पिक्चर ऐसी जगह पर खत्म नहीं हो सकती है जिस जगह पर वो दोनों मिले नहीं आपस में, जिस जगह पर उनकी शादी नहीं हुई, जिस जगह पर विलेन का अंत नहीं हुआ, कहीं ऐसा ही दिखाएंगे, पिक्चर खत्म ही तभी होगी, एंड में उसको जेल हो गई और ये शांति से रहने लगे, माने शांति पर अंत होता है। तो ये जो कथाकार अपने हैं प्रथमानुयोग के कथाकार, प्रथमानुयोग की कहानियां लिखने वाले वितरागी संत आचार्य ज्ञानी विद्वान धर्मात्मा पुरुष, इन सब ने भी वही काम किया है, पूरी कहानी बतलाएंगे। रामायण वो उठा करके ले गया, उसने ऐसा किया, उसका उसके साथ में युद्ध हुआ, फिर दुनिया भर की इतनी शादियां और सब कुछ, और फिर अंत में ले जा करके क्या कहा, बारह भावनाओं का चिंतन, वैराग्य, दीक्षा, संयम, केवल ज्ञान और मोक्ष, यहाँ जाकर के खत्म होगी। बिल्कुल तीर्थंकर भी बारह भावनाओं का चिंतन करते हैं, सभी लोग बारह भावनाओं का चिंतन करते हैं। तो जिन दीक्षा चिंतन मनन करते हैं नियम से बारह भावनाओं का चिंतन मनन करते हुए, जिन दीक्षा लेते हैं, दीक्षा स्वीकार करते हैं और अंत में जगत पूज्य बन जाते हैं, माने परमात्मा अवस्था की उन्हें प्राप्ति हो जाती है, वे परमात्मा बन जाते हैं। ये स्वरूप है, ये माने कहानी कहीं से भी शुरू करो, निगोद से शुरू करो। दौलत राम जी ने छेड़ाला में जैसे शुरू की कहानी, कहाँ से शुरू की, काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्रिय तनधार, वहां से कहानी शुरू की और खत्म कहाँ की, रही है अनंत अनंत काल यथा कथा शिव परिणय, सिद्ध अवस्था तक पहुंचा करके कहानी खत्म कर दी छेड़ाला की। ये सब छेड़ाला में भी कहानी है क्या? कि कहानी है ना, कि किसकी कहानी है, कि कहा तो है उन्होंने कथा, कथा सुनाता हूँ स्पष्ट शब्दों में प्रयोग तो किया दौलत राम जी ने, तो कहानी है वो। देखो इस शास्त्र में भी राजा जीवंदर कुमार ने वैराग्य हो जाने के कारण अनुप्रेक्षाओं का चिंतन किया। अब इसके दो अर्थ लगा सकते हो इस लाइन के, वैराग्य हो जाने के कारण जब वैराग्य हो गया तो अनुप्रेक्षाओं का चिंतन किया, वैराग्य हो जाने के कारण जब वैराग्य हो गया तो बारह भावनाओं का चिंतन करना शुरू किया। अब दूसरी तरह से लगाओ,
वैराग्य हो जाने के कारणभूत अनुप्रेक्षाओं का चिंतन किया। माने अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से वैराग्य हो जाता है, जो सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। माने जीवनधर स्वामी का चिंतन अकेले जीवनधर स्वामी के लिए नहीं था, ये जीवनधर स्वामी का चिंतन हम सबके लिए था, और हम सब जीवनधर स्वामी द्वारा किए गए इस चिंतन के समान अपने चिंतन को बनाए, हृदय में वैराग्य भावना को भाएं और अल्प काल में दीक्षा लेकर अपने स्वभाव के अवलंबन पूर्वक श्रेणी चढ़ते हुए केवल ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति करें। इसी भावना से बात को यहीं